नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में जुबिलेंट फार्मोवा या जुबिलेंट फार्मा स्टॉक के बारे में। देखिए, डेली चार्ट पे बहुत ही स्टॉक ज़बरदस्त गिरा है और कहीं रुकने के आसार नहीं है। कई मित्रों के कमेंट्स आ रहे हैं और कईयों के पैसा इसमें जो अलग अलग प्राइसेस पर बाय किया हुआ है। देखिए, किसी समय 1000 के लेवल पर स्टैंड करने वाला ये शेयर आपको आज के दिन देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, आधे से भी कम दाम पर। अब देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर जो रिसेंट हुआ है वो है क्रेडिट रेटिंग। स्टॉक के क्रेडिट की रेटिंग दी गई है और रेटिंग को घटाया गया, आउटलुक को नेगेटिव किया गया। अलग अलग फर्म है, अलग अलग ब्रोकर है, उन्होंने रेटिंग को घटाया। और इससे पहले जो इवेंट हुआ था, Q3 के नतीजे थे, वो भी आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बताऊंगा। नतीजे काफ़ी ज़्यादा खराब आते हुए देखने को मिले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेनली फिच ने यहाँ पर रेटिंग को डीग्रेड किया है। BB पहले दी हुई थी और वहाँ से रिवाइज करके आउटलुक को JPL's लॉन्ग टर्म आइडिया टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल, तो स्टेबल से नेगेटिव कर दिया गया। ये एक और जो है, यूं समझ लीजिए, डूबती नाव को एक और पत्थर उसमें रख दिया है फिच ने। उसके अलावा राकेश झुनझुनवाला साहब और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के भी इसमें पैसा इन्वेस्टेड है। जैसे कि आप जानते होंगे 3.15% और 3.14%, यानी करीब 6.5-6.6% की स्टेक वो हस्बैंड और वाइफ दोनों इसमें होल्ड करते हैं। तो ये थोड़ी सी रात की चीज़ आप समझ सकते हैं कि बिग बुल ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इनिशिएट किया हुआ है। अब देखिए, आगे बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल डेटा। हालांकि फाइनेंशियल डेटा इसके इंप्रेसिव देखने को मिलेंगे, जो कि आप देखें कंपनी की मार्केट कैप जो है 7000 करोड़ के आसपास की है, बुक वैल्यू 297 की, और PB का रेशो अभी देखें मात्र का ही ट्रेड कर रहा है, यानी काफी चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक आप समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ये वैल्यूएशन आपको काफी सस्ता देखने को मिलेगा। स्टॉक का PE देखेंगे 12.32 का मात्र है, जबकि सेक्टर में काम करने वाली फार्मा कंपनीज का 36.29 का है। यहाँ स्टॉक की फेस वैल्यू 1 की है। अब देखिए, पिछले 5 क्वार्टर्स का रेवेन्यू मैंने ओपन किया है, दिसंबर 20 से दिसंबर 21, यानी जो लेटेस्ट नंबर्स आए थे। इसका वीडियो भी मैंने बनाया था, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तब शायद आई थिंक स्टॉक के 450-60 के आसपास या इससे थोड़ा ऊपर था। उसके बाद भी लगातार स्टॉक डेली बेसिस पे गिरा है। देखिए, रेवेन्यू कंपनी का साल दर साल घटा है और क्वार्टरली बेसिस पे 1657 करोड़ के सामने भी 1310 करोड़ का घटकर आया था। तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर। और देखिए, उससे भी बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट क्या है कि स्टॉक की आप ग्रोथ देखें, ग्रोथ क्या एक्चुअली इसकी डी ग्रोथ देखें आप, 312 करोड़ से साल दर साल घटके मुनाफा मात्र 50 करोड़ का किया, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी 144 करोड़ के सामने 50 करोड़, यानी 1/3 मुनाफा कंपनी का रह चुका है 3 महीनों में, यानी हर क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा जो है टोटल पैट गिरा है। अब इसी स्थिति में अगर स्टॉक आगे चलता रहा तो देखिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कंपनी ऐसे ही अगर मुनाफा गिराती रही तो घाटे में आ गई, तो ये सबसे बड़ी समस्या स्टॉक के लिए बन सकती है। उसी तरह मैं आपको EPS का एक ग्राफ दिखाऊं तो देखिए, बहुत ही दमदार EPS थी, करीब 19.5 रुपए की, और वो मात्र 3.20 रुपए की रह गई है स्टॉक की आज की डेट में, यानी पिछले 5 क्वार्टर्स में। अब देखिए, इस वीडियो में हमने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों देखे हैं। जहां तक डेटा का सवाल है, डेटा पॉजिटिव है, स्टॉक आने वाले समय में अगर कंपनी अपने तो खर्चे थोड़े कंट्रोल करे और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और रणनीति फॉलो करेगी, तो यहां से जरूर कंपनी अगेन जो है अच्छी बढ़त दिखा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये देखना होगा कंपनी का जो है, मतलब चार्ट जो है कहाँ जाके रुकेगा, गिरावट कहाँ जाके रुकेगी। तो देखिए, 436 पे CMP पे खड़ा है, 435-40 की जो रेंज है यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस को फेस किया हुआ है। कल की डेट में, यानी आने वाले 2-4 दिनों में समझ लीजिए, 435 और 30 की रेंज को स्टॉक सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि स्टॉक कहीं ना कहीं बॉटम बनाने की अब तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं कि भाग जाएगा टच करके, लेकिन कंसोलिडेट करेगा। और देखिए, वहीं इस लेवल को भी ब्रेक किया आने वाले 2-4 दिनों में, नज़र रखिए 435 और के आसपास की इस रेंज को, 430 की इस रेंज को ब्रेक किया तो फिर ये 400 तक ईजिली आपको स्लिप होते हुए देखने को मिलेगा। उससे पहले स्टॉक के पास ना तो डेली पे, ना तो वीकली पे, ना ही मंथली पे कोई सपोर्ट नहीं है। वहीं आपको 400 के आसपास बाय द वे अगर स्टॉक मिलता है और आपका व्यू लॉन्ग है, तो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे आप विचार बना सकेंगे। उससे ज़्यादा गिरावट की उम्मीद यहाँ नहीं लग रही है। ऑलरेडी स्टॉक को काफ़ी पनिश किया जा चुका है खराब नतीजों के दम पे। तो चलिए, जुबिलेंट के बारे में बात की है, कमेंट कर बताइएगा क्या आपने इसको बाय कर रखा है। अलग अलग लेवल पे कई लोगों ने एंट्री बनाई हुई है, कई कमेंट्स आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।